अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे थे भाई? जी काम कर रहे थे कल का। शाबाश, काम कर लिया था, रिवाइज कर रहे थे। अच्छा भाई, वेरी गुड। वही मैं कहूँ, अभी तक काम कर रहे थे भाई? नहीं, कल का काम कल ही कंप्लीट कर लिया था, आज का काम आज करेंगे। वेरी गुड, यानी कि आप वक्त पर काम कंप्लीट कर लेते हैं, काम मुकम्मल कर लेते हैं। जब भी जो है आपका काम कंप्लीट रहता है और आप टेंशन में नहीं होते, मुश्किल में नहीं होते कि नहीं भाई हमारा ये काम भी रह गया था, वो काम भी रह गया था। जब हमारे पास बहुत से काम होते हैं, हमें खेलना भी होता है, हमें कहीं जाना भी होता है, हमें पढ़ना भी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त पे क्या काम करना है। जी हमें अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि भाई हमें इस वक्त खेलना है, हमें इस वक्त पढ़ना है, और इस वक्त हमें टीवी देखना है, इस वक्त हमने बातें करनी है। जी ये अगर आप इस तरह से टाइम टेबल अपना बना लेंगे और उस टाइम टेबल पे खुद सख्ती से अमल करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका हर काम वक्त पे हो जाएगा। जी किसी भी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, है ना भाई? जैसे हमारा पढ़ने का टाइम है और हम अपने पढ़ने के टाइम में रोज़ाना आपके पास आ जाते हैं, है ना भाई? और हम जब आपके पास आते हैं तो आप रोज़ाना काम करते हैं और हमारा काम कंप्लीट होता रहता है ना? चलें जी, आप यही करिएगा कि आप जो है अपना टाइम टेबल बनाइएगा आज बैठ के और उसके लिहाज से काम कीजिएगा। चलें जी, फिर क्या करते हैं आज जो हमारा टाइम टेबल है उसके लिहाज से हमें क्या काम करना है, पहले ये देखते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी बुक निकालेंगे और अपनी किताब निकालेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, और उसमें देखेंगे कि हमारा जो है बाब नंबर 5 चल रहा था डोली, और उसका हम सफ़ा नंबर निकालेंगे 38। और 38 में आज हमारे पास जो मश्क मौजूद है वो है अल्फाज साजी की। अल्फाज साजी की मश्क में हम क्या देख रहे हैं? चलें जी, पहले थोड़ी सी बात करते हैं लंबी आवाज़ की और छोटी आवाज़ की। लंबी आवाज़ क्या होती है? आ आ आ, ये क्या है? लंबी आवाज़ जिसमें आपका मुंह पूरा खुल जाता है। आ आ आ, छोटी आवाज़ क्या होती है? आ आ आ, लंबी आवाज क्या है? आ, और छोटी आवाज क्या है? अ अ। जी दो आवाज समझ में आई आप लोगों को, एक लंबी आवाज हो गई और एक छोटी आवाज हो गई। लंबी आवाज क्या होती है और छोटी आवाज क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलिफ क्या है भाई? आपने मुसव्वता पढ़ा था, मुसव्वते होती हैं और मुसम्मते होती हैं। अलिफ क्या है? एक मुसव्वता है, ठीक है जी। और मुसव्वता में जो क्या होता है, मुसव्वता हमेशा आखिर में आ रहा होता है। ज़्यादातर हम देखा है कि वो आखिर में आता है, जैसे कि घोड़ा, ताला, है ना भाई? तो ये क्या होता है कि आखिर में आता है, घोड़ा, ताला। लेकिन जब अलिफ जो होता है, जो मुसव्वता है, वो शुरू में आता है और मद के साथ आता है, तो वो अपनी लंबी आवाज़ के साथ आता है। आ, जैसे कि आम, आम, आग, आग। जी तो ये क्या है? ये अलिफ की लंबी आवाज है। आज, आज, आग। जी ये है मद की लंबी आवाज। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमेशा क्या होता है, शुरू में आता है लफ्ज के। मद आ जो होता है, जो अलिफ मद आ होता है, वो हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है। ये कभी भी लफ्ज के बीच में नहीं आता, ये कभी भी लफ्ज के आखिर में नहीं आता, ठीक है जी। ये हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है, और अगर ये लफ्ज के बीच में आए या आखिर में आए तो मद के साथ नहीं आता, बल्कि खाली अलिफ आता है और उसे हम आ पढ़ते हैं, ठीक है जी। बीच में जैसे हमारे पास आ रहा है बाल, चाल, खाल, इन सब में जो है अलिफ बीच में आ रहा है। कैसे आ रहा है? बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा ना। हाँ तो इसमें ये होता है कि जब आपका अलिफ मद आ शुरू में आता है तो मद के साथ आता है और उसकी आवाज निकलती है आ आ। लेकिन जब अलिफ मद आ बीच में आए या आखिर में आए तो मद नहीं आएगा साथ में, ठीक है, मद नहीं आएगा, बल्कि उसकी आवाज वही निकलेगी, खाल, चाल, बाल, घोड़ा, जाला, हाँ आ आ आ, ये सारी आवाज़ें निकल रही हैं।
अच्छा जी, लेकिन अब क्या होता है, अलिफ की एक छोटी आवाज भी होती है। छोटी आवाज क्या होती है, वो जबर की आवाज होती है, यानी कि हम जबर के जरिए पढ़ें। अगर हमारे पास बाल अलिफ के साथ आ रहा है, बाल बाल, और अगर हम उसे जबर के साथ पढ़ेंगे तो छोटी आवाज आ जाएगी, बल बल बल। जी समझ में आया आपको, थोड़ा सा समझ में आया, बाकी समझ में आपको आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी, जब हम ये मश्क करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अलिफ का फर्क क्या है, बड़ी आवाज का फर्क क्या है और छोटी आवाज का फर्क क्या है। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब आपकी अलिफ की आवाज आती है तो आप उसको खींचते हैं, बाल चाल खा, लेकिन जब जबर के साथ हम अलिफ की आवाज पढ़ते हैं तो छटका देते हैं, बल चल टल सल। ठीक है ना, ये झटका आ रहा है, बल खल टल चल, तो ये झटके के साथ आ रहा है, इसमें हमारा मुंह नहीं खुल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमारा सफा नंबर 38 खुला हुआ है और सवा नंबर 38 पे अल्फाज साजी की मश्क है। लंबी आवाज की मौजूद है यहाँ पे कहानी और छोटी आवाज की मौजूद है। लंबी आवाज में लिखा हुआ है, अलिफ एक मसवता है, अलिफ की आवाज लफ्ज घोड़ा के आखिर में आती है, लफ्ज आम के शुरू में भी अलिफ की आवाज आती है। मत अलिफ मत आ एक लंबी आवाज है, जब ये किसी अल्फाज के लफ्ज के शुरू में आ जाए तो मत के साथ लिखी जाती है, ऐसे अलिफ मत आ, लेकिन अगर किसी लफ्ज के दरमियान या आखिर में आए तो मद नहीं आता, जैसे मात और घोड़ा। ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की थी, जो मैंने आपको बताई है। छोटी आवाज के बारे में बता रहे हैं, अलिफ जैसी एक छोटी आवाज भी होती है, वो आवाज है जबर की, जबर की आवाज छोटी होती है। अलिफ आ की आवाज अदा करते हुए आपका मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे हमने खोला था आ जी, जबकि जबर की आवाज में ऐसा नहीं होता। अलिफ की आवाज को आपको खींचकर अदा करते हैं, बाल चाल, और जबकि जबर की आवाज को आप झटके से पढ़ते हैं, बल चल टल, है ना। चलें जी अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे लफ्ज मौजूद है। देखें जी, पहला लफ्ज यहाँ मौजूद है, बाल बाल। अब हमने क्या करना है, इसको इन दिए गए अल्फाज को अलिफ मद आ और जबर के फर्क से पढ़ना है, कि जहां अलिफ मौजूद है उसे मद आ समझ के मुंह खोल के पढ़ना है, और जहां जबर के साथ मौजूद है उसमें झटका दे के पढ़ना है छोटी आवाज के साथ। ये है बाल, इसमें अलिफ मौजूद है तो हम मद आ को समझते हुए इसको क्या करेंगे, बाल बाल, और यहां पे जबर है तो बल बल, पाल पाल, पल पाल, पल ताल ताल, तल ताल, तल तल, चाल चल चाल, चल चाल, चल, ये अलिफ के साथ, ये जबर के साथ। जाल जल जाल, जल जाल, जल। समझ में आ रहा है ना जी, जो हम बात कर रहे थे वो अब समझ में आपको आ रही होगी। अब यहां है काल कल, काल कल, काल कल, हाल हल, हाल हल, हाल हल, दाल दल, दाल दल, दाल दल। सब में देख रहे हैं कि सब में अलिफ आ रहा है बीच में और इसमें जबर आ रहा है, जिसमें अलिफ आ रहा है उसमें हम मुंह खोल रहे हैं, लंबी आवाज निकाल रहे हैं, और जिसमें जबर आ रहा है उसमें झटके से पढ़े दल। ठीक है जी, माल मल, माल मल, माल मल, गाल गल, गाल गल, गाल गल। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार सुनना है, अच्छे से समझना है। जब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप एक से दो अल्फाज खुद भी सोचिएगा कि भाई ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनमें बीच में अलिफ आ रहा है और हम उसको कैसे जबर के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, आप ऐसा कोई अल्फाज को ढूंढिएगा, समझिएगा, अपनी पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि आज जो हम ये लफ्ज पढ़ रहे हैं इनमें क्या फर्क है, अगर अलिफ मौजूद है तो हम उसे कैसे पढ़ रहे हैं, और अगर जबर मौजूद है तो हम उसे कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर आप उनको ये बात सारी
डिस्कस करके अपने पेरेंट्स से अपनी टीचर को भी बताइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज। We'll be right back.